हेलो गाइस, सो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि परमानेंट जेल नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। सो हम पहले आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे नेल कटर, नेल्स बिग होंगे उनको हम कट कर देंगे। देन उसके बाद हम लेंगे पुशर, जो हमारे नेल्स के ऊपर जो है स्किन होती है उसको हम रिमूव करेंगे। सो उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्यूटिकल रिमूवर, जी ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करेंगी। देन इसके बाद हम जो है यूज़ करेंगे क्यूटिकल कटर, जो भी साइड्स के जो डेड स्किन होते हैं उसको कट करेंगे। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे बफर, ये दो साइड है सॉफ्ट एंड हार्ड साइड, हम सॉफ्ट साइड से जो है इसका बफर यूज़ करेंगे और जो नेल्स की रियल शाइन है उसको हम रिमूव करेंगे। नेल एक्सटेंशन स्टार्ट करने से पहले आप जो है नेल पेंट को अच्छे से रिमूव करोगे, इसके लिए आप जो है टिश्यू पेपर के कुछ पीसेस भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप बैंडेज यूज़ कर सकते हो एंड नेल पेंट्स को आप अच्छे से रिमूव करोगे। एंड उसके बाद जो भी अगर आपके नेल बड़े हैं तो हम उसके क्लाइंट्स के नेल्स को कट कर देंगे और जो है हम बहुत ही छोटे ताकि वो बहुत बड़े ना हो और हम पूरे प्रॉपर अच्छे से उनको कट करेंगे और उनको शेप देंगे। इसके बाद जो है हम नेल्स की जो है शाइन को रब करेंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे कि जो हम जब नेल एक्सटेंशन अब लगाएंगे तो वो वहाँ पे अपने प्लेस पे अच्छे से प्लेस हो जाए। Such a pain to close my eyes. नेल्स को रब करने के बाद हम पफी ब्रश से जो है जो भी हमारे पार्टिकल्स है, जो हमारा पाउडरी हो चुका है नेल्स, उसको हम क्लीन करेंगे। नेल रब करने के बाद हम फिंगर टच नहीं करेंगे बिकॉज फिंगर को टच करने से जो है मॉइस्चर लेवल आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप नेल एक्सटेंशन लगाओगे तो वो आपका स्टे नहीं करेगा। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू नेल्स जो है अपनी टिप्स चूज करेंगे, देन उसके बाद हम इन टिप्स को अप्लाई करेंगे। सो नेल एक्सटेंशन करते समय हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम नेल्स पे लगा के देखेंगे कि वो साइड से बड़ा तो नहीं है, अगर वो परफेक्ट है तो हम उसको साइड कर देंगे। देन इसके बाद हम नेल्स पे ग्लू लगाएंगे और ये ग्लू जो है हम अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में तो हम टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं इसको और हम इसको नेल्स पे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर जो है बबल्स नहीं आने चाहिए, अगर आपके बबल्स आते हैं तो आपका जो नेल एक्सटेंशन है वो रिमूव हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हो हमने नेल्स को जो है पेस्ट कर दिया है नेल एक्सटेंशंस के और इसके बाद जो है हम ये नेल कटर से क्लाइंट के नेल्स को क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग जितना उनको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। एंड बाद हम बफर से नेल्स को जो है जो नेल्स के बीच में गैप है एंड रियल नेल्स में जो गैप है उन दोनों के बीच को इक्वल करेंगे और उसको हम रब करेंगे।
और जो हमारा एक्सटेंशन नेल है उसकी भी हम शाइन को रिमूव करेंगे एंड जो इक्वल है, जो हमने लगाया है उन दोनों को हम इक्वल लेके आएंगे। उसके बाद हम नेल्स की को जो है शेप देंगे कि क्लाइंट की कैसी चॉइस है, उनको कैसे राउंड में चाहिए या फिर उनको स्क्वायर में चाहिए, उनको कौन सी शेप चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम शेप बनाएंगे क्लाइंट की। तो अभी हम शेप बना रहे हैं। शेप बनाने के बाद जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे उसको हमने जो है फ्लफी ब्रश से जो है क्लीन किया है। जब भी आप जेल लगाते हो तो उसके लिए आप हमेशा थिन ब्रश यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा थिक ब्रश नहीं होना चाहिए और हमेशा इसको आप मिड से अप्लाई करोगे। सेकेंड्स हमने इसको ड्राई किया है। इसको ड्राई करने के बाद हम जो है इसको बफर से रब करेंगे एंड दोबारा से इसकी जेल की एक कोटिंग दोबारा करेंगे। अब हम इसको दोबारा पफी ब्रश की हेल्प से जो है पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम लेंगे, अब अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। ये है हमारा फाउंडेशन, इसको हम जो है फिंगर्स पे जो है अप्लाई करेंगे नेल्स पे और इसकी हम बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करेंगे। और जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे या हम नेल पेंट अप्लाई करते हैं तो हम नेल्स को कभी भी टच नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं नेल पेंट। हमने नेल पेंट का शेड लिया है 2024 एंड ये बहुत लाइट शेड है। हम ये क्लाइंट की चॉइस है कि उनको यही कलर पसंद है। जब तक आपकी नेल पेंट प्रॉपर तरीके से सूख ना जाए, टॉप कोट ना लग जाए, तब तक आप जो है नेल पेंट को जो है टच नहीं करोगे क्योंकि मॉइस्चर लेवल आ जाता है स्किन टच करने से और जिसकी वजह से जो है नेल्स आपका जो नेल पेंट है वो स्टेन नहीं करेगी। तो आपको कभी भी नेल्स को टच नहीं करना है। अगर कोई पार्टिकल्स आपके नेल्स पे आ गए तो आप उसको ब्रश की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, बट आपको फिंगर टच नहीं करनी है। अगर आपकी स्किन पे नेल पेंट या फिर जेल आ जाए तो उसको आप टूथपिक की हेल्प से जो है क्लीन कर सकते हो कॉर्नर्स के। उसके बाद आप इसको यूवी लैंप में रखोगे और इसको 120 सेकंड्स अगेन ड्राई करोगे और इसके बाद आप दोबारा से जो है सेकंड कोट अप्लाई करोगे नेल पेंट का। और वही आपको ध्यान रखना है कि साइड्स में ना जाए, स्किन पे टच ना हो आपकी नेल पेंट। और उसके बाद हम इसको दोबारा से जो है यूवी लैंप पे 120 सेकंड्स के लिए ड्राई करेंगे। अब ये ड्राई करने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे टॉप कोट और इसकी क्वांटिटी भी हम बहुत कम लेंगे और इसी ब्रश से हम दो या तीन फिंगर्स पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इसकी क्वांटिटी में बहुत कम चाहिए होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसका काम होता है कि नेल पेंट को फिक्स कर देता है और एक जो इसमें शाइन जो है टॉप कोट की वजह से ही आती है। तो हमें टॉप कोट अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉप कोट नहीं लगाते हो तो आपका नेल पेंट स्टेन नहीं करेगा। और आप इसको यूवी लैंप में रखोगे देन उसके बाद जो है आप इस पर अप्लाई करोगे नेल्स का जो ऑयल होता है नेल्स ऑयल। आप इसको अप्लाई करोगे साइड्स में ताकि जो आपका जो हमने क्यूटिकल्स रिमूव किए थे जिसकी वजह से अगर आपको ड्राइनेस है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और आपकी स्किन ड्राई ना हो, जिसकी वजह से आपको इचिंग या फिर कोई पेन ना हो। तो इसके लिए हम ऑयल अप्लाई करेंगे बिकॉज हमने क्यूटिकल रिमूव किए थे और जिसकी वजह से थोड़े से ड्राइनेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसको सॉफ्ट एंड स्मूथ करने के लिए हम जो है ऑयल यूज़ करते हैं।
सो ये था हमारा आज का नेल एक्सटेंशंस का सेशन। तो ये आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनका आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।